हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ट्रेनिंग के मेथड्स। वैसे आपको पता ही होएगा कि ट्रेनिंग क्या होती है, कि किसी पर्सन की स्किल्स एंड नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। पर्टिकुलर पर्पस होता है उसका और पूरे सेट प्रोसीजर्स होते हैं उसके थ्रू ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, इसके टाइप्स पे आए तो फर्स्ट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग नेम से क्लियर है, जॉब कर रहे हैं साथ साथ में ट्रेनिंग मिली जा रही है, तो ये थोड़ी इकोनॉमिकल होती है। वाई? क्योंकि एक्स्ट्रा सेटअप की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे। इसमें फर्स्ट देखें तो है जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। इसमें सिंपल क्या है, आपको अभी भी आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होगी अभी, तो आपको पता ही है हेडिंग से आपको कैसे मटीरियल बनाना है, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको मीनिंग बता रही हूँ कि मेन आपको ईजिली समझ आ जाए। फर्स्ट में क्या है JIT में, कि जो वर्कर्स को बेसिकली बताया जाता है कि उन्होंने अपनी करंट जॉब को कैसे परफॉर्म करना है। एक ट्रेनर होएगा, वो परफॉर्म करेगा जॉब। पहले उनको पहले ट्रेनिंग को बताया जाएगा कि जॉब के बारे में उसका पर्पस क्या है, तो उनसे वो क्या आउटकम चाहते हैं पहले बता दिया। आप इसको स्टेप्स में भी लिख सकते हो। सेकेंड स्टेप में क्या होएगा कि ट्रेनर क्या करेगा, जो जॉब करनी है पूरा मॉडल उसको करके बताएगा, पूरा करके बताएगा कि इस डेमोन्स्ट्रेट करके बताएगा कि इस वे से ऐसे जॉब करनी है। थर्ड स्टेप में क्या होएगा कि ट्रेनी ट्रेनर को कॉपी करने की कोशिश करेगा, जैसे उसने किया सेम उसी वे से कॉपी किया। ये बार बार तब तक रिपीट करी जाएगा जब तक वो फोर्थ स्टेप पर ना पहुंच जाए। यहाँ पर उसको किसी भी सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है, बार बार देख के कॉपी करना है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी हैबिट बन गई होगी, उसको सारा पता चल जाएगा ये स्टेप हैं, जब मॉर्निंग में ये करना है, इवनिंग में ये करना, कोई भी स्टेप्स होंगे। तो सेकंड है कोचिंग। देखिए कोचिंग क्या होती है कि सुपरवाइजर उसके साथ होता है, कोचिंग में वो पर्सनल इंस्ट्रक्शंस देता है, डायरेक्ट गाइड करता है कि उसको कैसे करना है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब कोच को खुद सारी इन्फॉर्मेशन हो, तभी उसके और डिपेंड करता है कोच के पेशेंस के कम्युनिकेशन स्किल्स के, कि वो कैसे दूसरे को टीच कर पा रहा है, इस वे पे सारा डिपेंड करता है कोचिंग। मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें डिफरेंस होएगा कोचिंग एंड मेंटरिंग, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। अभी नेक्स्ट टाइम मेंटरिंग में आपको बताऊंगी वो क्या है। ओके, देखो अभी आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, लेकिन डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मेंटरिंग क्या होता है कि कोचिंग तो हो गई कंपनी की तरफ से, ठीक है, मेंटरिंग किसी के माइंड में आया, या फिर कोई गुरु शिष्य नहीं होता वैसा, बिल्कुल वैसा। गुरु कुछ भी करने के लिए रेडी है, अपने शिष्य को बताने के लिए, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, उसको पूरे अच्छे वे से गाइड करने के लिए, सिर्फ प्रोफेशनल वे से नहीं, उसको इमोशनल सपोर्ट भी देने के लिए, ये सारी चीज़ें। और शिष्य क्या करता है कि वो भी कुछ भी करता है, हर कुछ भी करने के लिए रेडी होता है अपने गुरु के लिए, जो गुरु बोलता है वैसे करता है, मेंटर करता है। तो इसमें अगर प्रोफेशनल वे में ये भी लिख सकते हो, अगर वैसे भी लिखना हो तो बोल सकते हैं कि मेंटरिंग में सीनियर पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन अज्यूम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ट्रेनिंग एज वेल एज ग्रूमिंग ऑफ अ जूनियर पर्सन। जूनियर पर्सन को ग्रूम कर रहा है, उसको लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को करवाना चाहिए, मेंटर करना चाहिए। मेंटर का तो मीनिंग पता होगा ना, उनको करता है, गाइड करता है सारा, सिर्फ वही दोबारा प्रोफेशनल वे से नहीं, पूरे अच्छे वे से सपोर्ट करके। ओके, नेक्स्ट है जॉब रोटेशन। अभी जॉब रोटेशन में क्या होएगा कि रोटेट जॉब है, सेकंड वर्ड है रोटेशन, रोटेट हो रही है। एक पर्सन एक ऑर्गेनाइजेशन में है, उसको थोड़े टाइम के बाद उसकी जॉब चेंज कर दी, रोटेट करते रहे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इसमें क्या होएगा, उसको काफ़ी सारी नॉलेज मिल जाएगी, वो जनरल नॉलेज होएगी उसको कि कंपनी में कौन कौन से वर्क हैं, तो कोई भी उसको बाद में प्रॉब्लम नहीं होएगी, चाहे उसका जब उसका प्रमोशन होएगा, उसको कोई ट्रांसफर होएगा, रिप्लेसमेंट होएगी, कुछ भी उसको प्रॉब्लम नहीं होएगी। तो उसका जनरल बैकग्राउंड होएगा तो सारा कोई भी जॉब इजीली कर पाएगा, तो उसका करियर भी ग्रो करेगा, उसको उस करियर में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो उसको इतने सारे काम की तो नॉलेज हो गई ना। लेकिन इसमें क्या है कि इस वे से ये मेथड बनाना चाहिए कि उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको लगे कि मैं इस पर्टिकुलर थिंग में, दो तीन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट है, उसमें जॉब रोटेट करके देख लो, जिसमें बेटर परफॉर्म करता है उसमें वो वाली जॉब उसको दे दो,
तभी बेनिफिट मिलेगा ना, अदरवाइज तो टाइम कितना वेस्ट होएगा, इतनी मुश्किल से रूटीन बनती है तो वो भी सारी ख़राब होएगी, डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, कितना कंज्यूम होएगा टाइम। तो इससे बेटर ये वाला वे बेटर है। अभी ये है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, आपका मीनिंग सिंपल क्लियर हो गया, आप अपनी वर्ड्स में लिख लो, आप ऐसे मैंने जैसे टेबल बनाया है आप ऐसे लिख लो, तो ऐसे मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को इतना हेडिंग नहीं लगानी पड़ती उसको, क्योंकि हेडिंग्स लिखे होते हैं ना तो पता नहीं लग, कई बार ऐसे स्टूडेंट्स लिखते हैं कि पता नहीं चलता कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ पर फिनिश हो गया, कहाँ पर सेकेंड हेडिंग शुरू हो गया, ऐसे लिखा होगा तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपको आता है, इसको सारे मेथड्स पता हैं। अभी नेक्स्ट करते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में जॉब कर रहे हैं वहाँ से सेपरेट लेके जाकर, चाहे जॉब के ख़त्म होने के बाद उनको ट्रेनिंग दो, या फिर जॉब को की नाम काम नहीं करना उसके अब कहीं और दूसरी जगह पे लेके जाकर ट्रेनिंग दो। तो ये हो गया ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जॉब नहीं कर रहे उनको ट्रेनिंग मिल रही है। तो यहाँ पे देखें तो फर्स्ट है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है कि सेम टू सेम ऐसी ही कंडीशन रखी जाती हैं, ट्रेनिंग जैसे ट्रेनिंग सेंटर इस वे से सेटअप किया जाता है जो रियल जॉब में कंडीशंस होती हैं, उनको रियल वाला माहौल देने के लिए, पूरा इन्वायरमेंट देने के लिए ऐसे सेटअप। तो ऑफ द जॉब थोड़ी एक्सपेंसिव होगी ना ट्रेनिंग। तो इसमें सारा सेटअप बना लिया, और ये इसलिए ज़रूरी होता है वेस्टिब्यूल, ताकि जो बहुत सारे ट्रेनिंग्स को एक एम्प्लॉयज़ को इकट्ठे ट्रेन करना हो फटाफट। नेक्स्ट है क्लासरूम ट्रेनिंग। नेम से क्लियर हो गया होगा, क्लासरूम में कहीं जाकर, ये ट्रेडिशनल वे है एजुकेट करने का, हमेशा ऐसे ही करते हैं क्लासरूम में जाके, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लासरूम बना दे, या फिर एक्सटर्नल कोई भी साइट्स को सिलेक्ट कर ले वहाँ पर जाके, या फिर किसी इंस्टीट्यूट पे यूनिवर्सिटी में जाके जिनका कोई भी कनेक्शन कंपनी से ना हो वहाँ जाकर करें, थोड़ा वर्किंग एनवायरनमेंट से थोड़ा दूर हो, ताकि जो ना वो जो पर्सन है एम्प्लॉई उसका एटीट्यूड चेंज हो, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो, और जो प्रॉब्लम्स को है वो डिफरेंट वे से देखना शुरू कर दे, इसलिए ही ये क्लासरूम ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग में क्या होता है, इंटर्नशिप से क्लियर हो गया कि जैसे स्टडीज़ कर रहे हैं साथ साथ में कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, इंटर्नशिप का मेन नेम से ही आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको जैसे लास्ट मिनट वो टिप्स नहीं बताते कि एग्ज़ाम है फटाफट मुझे समझा दो, मैं इसलिए वो वैसे ही बता रही हूँ, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले ही ये वीडियोस वगैरह देखते हैं। तो इंटर्नशिप उनको पैसे मिल रहे हैं, कई पेड भी होती हैं अनपेड भी होती हैं वो डिपेंड करता है, तो स्टडी भी कर रहे हैं साथ में उनको साइड पे जब वोकेशंस है तब कोई भी इंटर्नशिप है वो कर रहे हैं, तो वो कौन सी ट्रेनिंग होगी, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ये मोस्टली कब होती है, प्रोफेशनल कोर्सेज में होती है मोस्टली, अदरवाइज नहीं होती। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस से तो आई थिंक क्लियर हो ही गया आएगा क्या होता है ना, तो फिर भी मैं आपको कुछ लाइन से बता देती हूँ। द पार्टिसिपेंट्स पूल देयर आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस टू अराइव एट इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स विच आर द कॉमन सब्जेक्ट ऑफ द डिस्कशन। एक कॉमन सब्जेक्ट है, सारे पार्टिसिपेंट्स जो आएंगे अपने आइडियाज़ को पूल करेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ताकि जो अच्छा सा वे निकाल पाए जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है रोल प्ले। रोल प्ले में क्या होएगा कि जो कुछ जो ट्रेनी है ना उसको कुछ सर्टेन कैरेक्टर्स को ना प्ले करना पड़ेगा, जैसे कुछ भी डिफरेंट रोल्स है ना, जो अपना रोल कर रहा है वो नहीं, जो पोजीशन है उसकी वो नहीं, थोड़ी डिफरेंट कोई डिफरेंट रोल्स उसको प्ले करना पड़ेगा, जैसे कोई स्टूडेंट है स्टूडेंट जाके लेक्चर का रोल प्ले करे, टीच करे, ऐसे सारा कुछ थोड़ा, तो थोड़ी ट्रेनिंग उनको मिल जाती है, उसका उनका एक्सपीरियंस इंक्रीज हो जाता है इस वे से, क्योंकि रियल में तो उसको एक ही रोल प्ले करना होता है ना, तो डिफरेंट रोल प्ले करेगा, रोल प्ले से ट्रेनिंग मिलेगी तो उसका एक्सपीरियंस इंक्रीज होएगा। नेक्स्ट है प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम्ड लर्निंग में ना सिंपल स्टेप बाय स्टेप, प्रोग्राम्ड पहले किया होता है प्रोग्राम, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग होता है सिंपल। इसमें तीन पार्ट्स हैं, तीन स्टेप्स हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस फैक्ट्स या प्रॉब्लम्स जो होती है ट्रेनिंग्स के सामने प्रेजेंट की जाती हैं, फिर ट्रेनिंग्स को बोलते हैं आप रिस्पॉन्ड करो, जो भी उनका एक्सपीरियंस किस वे से भी वो रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उनको फीडबैक दी जाती है कि आपका आंसर ठीक था, जहाँ आप इसकी जगह क्या कर सकते थे, आपको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, जो भी है उसके सामने प्रॉब्लम कोई भी सिचुएशन बना के रखी है वो। तो प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप तीन स्टेप्स, फर्स्ट प्रेजेंट करना,
सेकंड उनको अलो करना रिस्पॉन्ड करने के लिए, थर्ड उनको फीडबैक देना कि वो सही, उनका आंसर सही है या नहीं। नेक्स्ट है केस स्टडी। केस स्टडी तो होता है क्या कि जो पहले ही आप क्लासरूम्स में भी करते होंगे कि जो पहले ही केसेस होते हैं रियल लाइफ में हो चुके हैं उनको डिस्कस करना है, उनको स्टडी करना है कि क्या रीज़न था। कुछ क्वेश्चंस पूछे होते हैं, आप भी प्रैक्टिस करते होंगे क्लासरूम में। वैसे ही केस स्टडी एम्प्लॉयज़ के साथ भी ऐसे की जाती है कि पहले केसेस में उन्होंने कैसे किया, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए था। मैनेजमेंट गेम्स, मैनेजमेंट गेम्स पता है आपको, जो गेम्स कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए गेम्स होती हैं, आपके क्लास में भी खेली होंगी कि एक आपको पता है एक फर्स्ट वाला पर्सन सेकंड पर्सन को कुछ बताएगा, रिपीट नहीं करना, एक बार ही बोलना है, फिर धीरे धीरे बात सारी जगह फैलेगी। जो एंड वाला पर्सन होएगा उसके बाद उसके पास क्या बात पहुंची वो वाली बात फर्स्ट वाले स्टूडेंट को बताएगा, पर्सन को बताएगा, फिर मैच करेंगे फर्स्ट वाले के और लास्ट वाले की सेम है कि नहीं, और ऐसा हमेशा नहीं होता। तो ऐसी वाली कुछ गेम्स होती हैं कि ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स की, एक बार बता दिया कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ रिपीट भी नहीं करना, ऐसे सारे कुछ वो गेम्स खिलाते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ओके नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग से आपको क्लियर हो गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वेज यूज़ करते हैं, टूल्स करते हैं, कंप्यूटर इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए। फर्स्ट है ऑडियो विजुअल। इसमें क्या होता है, टेलीविजन स्लाइड्स होती हैं, प्रेजेंटेशन होती हैं, पावर पॉइंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ऑडियो वीडियो टेप्स होती हैं, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। आपके पास इतने सारे पॉइंट्स हैं, आप अगर 4-5 लाइन्स में भी एक्सप्लेन कर दोगे तो सफिशिएंट है। ओके नेक्स्ट है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग क्या होती है कि टेस्ट लिया जाता है कंप्यूटर्स पर, ताकि जो मैनेजमेंट उनको ट्रेनिंग की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर पाए, उनकी नीड्स को कि क्या क्या परफॉर्मेंस है, प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं, किस चीज़ में ज़रूरत है वो सिंपल। और ये ट्रेनिंग जो होती है ना फ्लेक्सिबल होती है मोस्टली, तो क्या करते हैं स्टूडेंट सॉरी जो ट्रेनीज होते हैं वो कंप्यूटर कभी भी यूज़ कर सकते हैं, जब उनका टाइम मिले, जब भी उनको ट्रेनिंग लेने की है तभी, जब भी वो प्रेफर करते हैं तब वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा वे है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस सपोर्ट सिस्टम। इसमें क्या है कि पीपल जो भी सीखते हैं ना तो सब कुछ जा तो रहता नहीं है, तो स्टेप बाय स्टेप्स ना कंप्यूटर बेस्ड सपोर्ट सिस्टम है ये, कि जब जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ के बारे में ट्रेनिंग दे दी, अभी जो दे रहे हैं उसकी ट्रेनिंग दे दी, उसके बाद जब दूसरी स्टेप की ज़रूरत है, जब फिर कोई पार्ट है जो अभी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है उसकी ट्रेनिंग बाद में दे दी, सिंपल। तो ये फास्टर है, चीपर है, मोर इफेक्टिव है। वाई इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि सारा कुछ तो एक ही बार में याद नहीं रहेगा ना, तो जिसकी जब ज़रूरत होगी उसकी ट्रेनिंग दे दी बस। ओके लास्ट है डिस्टेंस एंड इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग। इसमें क्या है, डिस्टेंस दूर बैठ के इंटरनेट के थ्रू, नेम से क्लियर हो रहा है आपको ऐसे जल्दी याद रहेगा, तो इसमें वो ट्रेनिंग होगी। तो इसमें कौन कौन से मेथड इंक्लूड होते हैं, टेली ट्रेनिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट बेस्ड क्लासेस। टेली ट्रेनिंग का क्या होता है कि ट्रेनिंग एक ट्रेनर एक सेंट्रल लोकेशन पर बैठा होता है और बहुत सारे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं ना वहाँ पे दूसरे लोकेशन पे बैठे होते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके टीच करते हैं। ओके और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो आपको पता ही होगा, वो टेली ट्रेनिंग टेलीविज़न से होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो करके फिर डिस्कस करते हैं, चाहे दूर बैठे हो लेकिन वो डिस्कस कर लेते हैं इंटरनेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो इंटरनेट बेस्ड क्लासेस कौन सी होती हैं, यहाँ पर उनको सारा कुछ प्रोवाइड सब कुछ प्रोवाइड किया होता है, बाद में जब भी एम्प्लॉयज़ को टाइम मिले कभी भी वो प्रोग्राम को असेस कर सकते हैं जब भी वो चाहे, तो इतनी कॉस्ट नहीं लगती, प्रोग्राम में चेंजेस किए जा सकते हैं जब भी ज़रूरत पड़े। तो ये था ओवरव्यू की ट्रेनिंग मेथड्स का, अगर आपको होप आपको समझ आ गया हो, मैंने फास्ट फास्ट ना बोला हो तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको जो नेक्स्ट टॉपिक चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी।